हालात बद से बदतर है, हर हाथ पे पत्थर है, बच गया वो शीशा तो वो शीशा का मुकद्दर है। इस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है। हमारे जो विधायक हैं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोगों का उतना सम्मान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस राज्य में भाजपा को यदि कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकता है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता दे सकता है। आदिवासी वोट तो कहीं ना कहीं हमें लगता है जेएमएम कांग्रेस सभी पार्टियों को मिलता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वोट है वो खासकर कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है, झाड़ की मिलता है। हालात बद से बदतर है, हर हाथ पे पत्थर है, बच गया वो शीशा तो वो शीशा का मुकद्दर है। आज झारखंड के पवित्र धरती पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चिंतन समारोह में हमारे बीच झारखंड के प्रभारी, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक समान आदरणीय अविनाश पांडे जी, बड़े भाई पूर्व मंत्री विधायक झारखंड के सह इंचार्ज उमंग सिंगार साहब, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, हमारे गार्जियन ग्रामीण विकास मंत्री विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर साहब, मंच पे एक और गार्जियन सुबोध कांत साहब जी, यहाँ पे उपस्थित है हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी, बन्ना गुप्ता जी, भाई बादल जी, एक और गार्जियन रामेश्वर उराव साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, कार्यकारी अध्यक्षगण, जिला अध्यक्षगण और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी मेंबर्स, मैं सबसे पहले अपनी ओर से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे प्रभारी महोदय का, जिन्होंने एक चिंतन शिविर लगाकर एक एक कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत हुए और हम सभी कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देने का काम इस शिविर से हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम लोग सुनते थे पहले कि भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा शाखा लगाया जाता है, शिविर लगाया जाता है, और आज जब कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ तो लगा कि नहीं, हम लोग भी किसी से कम नहीं है। इस राज्य में भाजपा को यदि कोई मुंहतोड़ जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकता है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता दे सकता है। जिस प्रकार से हर बिंदुओं पर वार्ता हुई और जो हम लोगों ने सीखा, हमारे प्रभारी महोदय और सह प्रभारी महोदय ने जिस तरह से, जो वक्ताओं से हम लोग संवाद हुआ, तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी कभी कमजोर नहीं रही। जो लोग एक साजिश के तहत, एक मिशन के तहत कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए आए थे, उसका पर्दाफाश हुआ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको गिले शिकवे भुलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड गठन के बाद पहली बार हम लोग सत्ता में आए हैं। जनता को बहुत उम्मीद है हमसे, कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद है हमसे, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं प्रभारी महोदय का कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया। हम लोगों को विधायक बनाया है, लेकिन जो विधायक बनाने वाले हैं, हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं,
उनको कहीं ना कहीं हम लोग अब तक सम्मान नहीं दिए। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि वैसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जाए जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं, समय देते हैं। और खास करके मैं कहना चाहता हूं जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको भी आप लोग देखिए कि दिन रात वो लोग काम करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, लेकिन उनको हम लोग सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। वैसे लोगों को भी आगे लाना चाहिए, तभी हमारा कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। दूसरी बात, आज हमारी सरकार बनी है, बड़े भाई के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है और हम लोग छोटा भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है, हमारे जो विधायक हैं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम लोगों का उतना सम्मान हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे चार चार मंत्री भी हैं, मैं किसी मंत्री का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं चाहूँगा कि चारों विभाग हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। आइदर आप चले जाइए हेल्थ चले जाइए, आइदर आप रूरल डेवलपमेंट चले जाइए, फाइनेंस चले जाइए, या आइदर आप एग्रीकल्चर चले जाइए, ये विभाग है हमारा और हम लोग अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। मैं चाहूँगा कि इस विभाग को अच्छी तरह से मॉनिटरिंग किया जाए, क्योंकि ये विभाग जो है जनता से सीधा रिलेटेड है, जनता का बहुत काम हो सकता है, भला हो सकता है, इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा कि अध्यक्ष जी, जो पूर्व में जो संगठन का बागडोर दिया गया है, इसको हमको लगता है कि सही थोड़ा नहीं लग रहा है, हमको इस पर विशेष मंथन करने की आवश्यकता है और जो सही लोग हैं उनको भी लाया जाए, उनको भी सम्मान दिया जाए। मैं दीपिका पांडे जी हैं, हमको देख रही हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पाया। मैं झारखंड की ओर से आप लोगों ने जो दीपिका पांडे जी को जो सम्मान मिला है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, एक युवा नेत्री को सम्मान दिया है राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने जो सम्मान दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में युवाओं का अनुभव का लाभ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी वहां पर जी, समय का ध्यान रखिए, चार मिनट हो गए, अलार्म बज गया सर, सर थोड़ा सा सर, तो मैं ये सारे वक्ता मैं कहूंगा सर, अगर आप झारखंड का सिनेरियो के बारे में बताऊंगा आपको, तो आदिवासियों के बाद अगर इस राज्य में 23% आबादी आदिवासियों का है, तो 18% अगर आप चले जाइए तो हमारा अल्पसंख्यक भाइयों का है। आदिवासी वोट तो कहीं ना कहीं हमें लगता है जेएमएम कांग्रेस सभी पार्टियों को मिलता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक वोट है वो खासकर कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है, झाड़ की मिलता है, कोई डिवाइड नहीं होता है। लेकिन आज वो समाज जो है, गरीब तबका का जो समाज है, वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी को भी इसको देखना है, क्योंकि हमारा वोट बैंक कहीं खराब ना हो जाए। आप देख लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के यदि हम नीतियों पर देखेंगे, लोग हमको कहता भी है, वो लोग आदिवासियों को सम्मान देते हैं, साथ ही साथ हमारे जो अल्पसंख्यक जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, बिना विधायक का उनको मंत्री का सम्मान दिया जाता है। हम जाते हैं तब से लोग पूछता है कि हम लोग आपको वोट क्यों दें, आप लोग तो हम लोग सम्मान नहीं देते हैं। दूसरी ओर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हम बात करें, तो वो लोग बिना विधायक को लोग मंत्री बना देता है, तो कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम करता है। तो मैं फिर से कहूंगा, हमारे प्रभारी महोदय काफ़ी अनुभवी हैं, सब प्रभारी महोदय काफ़ी अनुभवी हैं, ये लोग इन बातों को ध्यान देंगे। और दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गार्जियन रामेश्वर उराव साहब भी हैं यहाँ, काफ़ी उनके नेतृत्व में हम लोग जीत कर आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैं ज़्यादा समय